अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैर और मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट झेलम में हैं या डिस्ट्रिक्ट झेलम विज़िट कर रहे हैं तो वो कौन सी जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं और विज़िट कर सकते हैं। अगर आप झेलम की तरफ से आ रहे हैं या झेलम में हैं तो सबसे पहले तो भाई आप झेलम शहर देखें। बहुत तारीखी शहर है और बहुत पुराना शहर है, कदीम तर पाकिस्तान के कदीम तरीन शहरों में से एक है। रिच हिस्ट्री है इसकी और पुराना शहर जहाँ पे बाज़ार है वहाँ पे आप ज़रूर जाएं उसको देखें। और आप तो यार शानदार चौक में वो रोहतास फोर्ट का मॉडल भी बन गया तो वो भी ज़रूर देख के आना। और उसके बाद जाना है आपने रोहतास। रोहतास अगर आप दीना की तरफ आते हैं तो लेफ़्ट की तरफ मुड़ना है और वहाँ से कुछ 10 से 12 किलोमीटर का सफ़र है। रोहतास बहुत पुराना फोर्ट है और देखने के काबिल है। बहुत खूबसूरत दीवारें हैं इसकी और मुझे इसकी फसीलें बहुत पसंद हैं। आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एक बावली भी है जो पानी भरने के लिए पुराने ज़माने में इस्तेमाल होती थी, उसको भी देखें। एक पुराना सा टूटा फूटा सा मंदिर भी है और अंदर एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है। मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, आप खुद जाएँ उसको देखें और फिर आके मुझे भी बताएं कि कैसा लगा। जिन लोगों को शौक़ है तारीख़ के बारे में पढ़ने का और तारीख़ी मकामात को देखने का, उनके लिए एक आइडियल जगह है। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आपने अगर रोहतास नहीं देखा तो आप ज़रूर देखें। और हाँ, अगर रोहतास जा रहे हो तो भाई साथ ही गुरुद्वारा भी है, गुरुद्वारा चूहा साहब बिल्कुल रोहतास के साथ है, तो आप उसको भी ज़रूर देख के आना। और हाँ, रोहतास के अंदर एक गाँव भी है तो अगर वहाँ पर आपको कोई जानने वाला है तो भाई वहाँ जाके आप थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकते हैं और वहाँ पर कोई खाना छाना भी खा सकते हैं। रोहतास में जब आप जाओगे तो वहाँ कुछ लोग आपको मिलेंगे जो वहाँ की हिस्ट्री के बारे में बुक्स भी बेच रहे हैं, तो अगर आपको हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है तो वो आप बुक्स लेके वहाँ से पढ़ सकते हैं। गुरुद्वारा देखने के बाद आपने मुड़ जाना है भाई मंगला की तरफ। मंगला की तरफ जब मुड़ेंगे तो आपको कुछ 15-16 किलोमीटर का सफ़र है और मंगला पहुँच जाएंगे। मंगला पहुँच के आप कैंट भी जा सकते हैं, कैंट भी बहुत खूबसूरत जगह है। मंगला कैंट पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन कैंट्स में से एक है, बिल्कुल डैम के किनारे पे है और डैम के किनारे पे एक नई हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, आप उसको भी देखें। और बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है, मंगला के ब्रिज को क्रॉस करें, बहुत ही लंबा ब्रिज है। और उसको क्रॉस करने के बाद आप सबसे पहले जाएं मंगला पावर हाउस पर। भाई इसके लिए शर्त यह है कि पहले परमिशन ली हुई हो, अगर आपने परमिशन ली हुई है तो आपका विजिट प्रॉपरली प्लान्ड होगा, आपको इसके बारे में एक ब्रीफिंग दी जाएगी, आपको इसकी सारी वर्किंग दिखाई जाएगी, बिजली कैसे बनती है। हाँ, यहाँ पर सातकैन की एक बहुत बड़ी पेंटिंग है तो उसको भी ज़रूर देख लेना। जिन लोगों को आर्ट का शौक है और उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है देखने वाली, जो सातकैन की पेंटिंग है। जब मंगला का पावर हाउस देख लो तो उसके बिल्कुल साथ ही अपर झेलम केनाल हेडवर्क्स भी है तो उसको भी देख लेना, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। और भाई फोटो शोटो बनाने के लिए बड़ी अच्छी जगह है, पुराने हेडवर्क्स हैं, 1913 और 14 के दरमियान बनाए गए थे तो उसको भी ज़रूर देख लें, बड़ी ज़बरदस्त जगह देखने के लिए। हेडवर्क्स देखने के बाद हमें जाना है मंगला कॉलोनी और वहाँ पे केनाल और बाबरा के जो रेस्ट हाउस हैं उनको भी देख लें, बड़ी अच्छी जगह है, बिल्कुल रिवर के किनारे पर है तो उनको आप देखें, वहाँ से बड़े ज़बरदस्त लोकेशन है, बड़े खूबसूरत लॉन्स हैं इसके और दरिया यहाँ से बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है। पर भाई शर्त यह है कि दरिया चल रहा हो। केनाल रेस्ट हाउस देखने के बाद आपने जाना है आर्मी बोटिंग क्लब की तरफ, वहाँ पे आराम से बोटिंग करें, डैम के अंदर राइड्स को एंजॉय करें और फिर आपने चले जाना है वहीं से मंगला का फोर्ट देखने के लिए। मंगला का फोर्ट बिल्कुल डैम के किनारे पर है, वहाँ से डैम का पूरा एक ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा है, वहाँ से रिवर झेलम भी नज़र आता है और ब्रिज भी नज़र आता है और गाड़ियाँ भी आती हुई छोटी छोटी सी नज़र आती हैं। साथ ही आपने डैम भी देखना है, डैम में घूमना भी है और बोटिंग भी करनी है। और डैम और फोर्ट देखने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो एक और जगह जहाँ पे आपका जाना बहुत ज़रूरी बनता है वह रामकोट फोर्ट। रामकोट फोर्ट डैम के दरमियान में है और यहाँ पे जाने के लिए आपको एक बोट लेनी पड़ेगी जो कि आपको 20 से 25 मिनट में आपको वहाँ पे पहुँचाएगी। ये फोर्ट एक पहाड़ी के ऊपर है जिसके लिए आपको पहाड़ी के नीचे उतारा जाएगा उसके फुट हिल्स में और उसके बाद आपको हाइक करके ऊपर जाना पड़ेगा। डैम और रामकोट फोर्ट देखने के बाद आपने वापस मीरपुर की तरफ जाना है। मीरपुर शहर के बाहर से एक रोड जा रही है जो बिल्कुल डैम के साथ साथ चलती है, आपने उस रोड पे जाना है और उसी रोड पे आपको एक ब्रिज भी नज़र आएगा जिसको रठवा ब्रिज कहते हैं, जो कहा जाता है कि पाकिस्तान का सबसे लंबा ब्रिज है, तो आपने उसको भी ज़रूर देखना, अभी कम्प्लीट नहीं हुआ लेकिन अभी आप उसको देख तो सकते हैं ना यार। और वहीं से ही अगर आप आगे जाएंगे तो डैम की ही जो डाइक की रोड है उस पर थोड़ा सा आगे जाके जड़ीकस का डैम भी आता है, वो मंगला डैम का ही पार्ट है जहाँ पे एक प्राइवेट पावर स्टेशन बनाया गया है और वो भी एक देखने के लायक जगह है। और अगर आप इंजीनियर हैं और भाई अगर आपके साथ कोई इंजीनियर है जिसको डैम शैम और बिजली कैसे बनती है देखने का शौक़ है हाइडल एनर्जी का, तो वो जाके उस जगह को देख सकता है। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो यार वहाँ पर एक पार्क भी है तो वहाँ पर भी जाओ। वहाँ से वापस आके आपने मीरपुर शहर जाना है और मीरपुर शहर जाके आपने मीरपुर का शहर घूमना है, बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा है लेकिन अच्छा है, साफ़ सुथरा है। और अगर आपने शॉपिंग करनी है तो वापसी भी आप वहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं, आपको सारे ब्रांड मिल जाएंगे, वहाँ से शॉपिंग भी कर लें। मीरपुर शहर देखने के बाद आप चले जाएँ खड़ी शरीफ की तरफ, मीरपुर शहर से ही लेफ्ट की तरफ वहाँ पर एक रोड मुड़ती है खड़ी शरीफ के लिए, वहाँ पर आप जाएँ
और खड़ी शरीफ जाके आपने मियां मोहम्मद बख्श साहब के मज़ार पे जाना है और बाबा वीर शाह गाजी का मज़ार है वहाँ पे, उस पर भी जाना है। दुआ करें, मज़ार को भी देखें। मियां मोहम्मद बख्श साहब एक काफ़ी बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जिनकी किताब सफ़े मलूक है, तो आप उनके मज़ार पे भी जा सकते हैं। दुआ करें, छोटा सा वो जो टाउन है उसको देखें और उसके बाद आप कैनाल के साथ साथ होते हुए मंगला की तरफ आ जाएँ और रास्ते में कैनाल्स आएंगी, अपर झेलम कैनाल, आप उस पर बैठ के पानी को एंजॉय कर सकते हैं। और यार अगर आपके साथ दोस्त हैं तो वहाँ बैठ के बारबेक्यू भी किया जा सकता है। हाँ, वापसी पे मंगला से फिर ज़रूर ले लेना, क्योंकि जिसको भी मंगला और झेलम आने का बताओगे तो डैम की मछली का ज़रूर पूछेगा, तो वहाँ से फिश ले लेना। और अगर टाइम हो तो वहाँ बैठ के खा भी सकते हो और इन्जॉय भी कर सकते हो, वहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं। और हाँ, अगर फ़िशिंग का शौक़ है तो पहले से किसी से बात कर लेना भाई, वहाँ पे फ़िशिंग करने के लिए पहले कोई जगह बताओ जहाँ पे बैठ के फ़िशिंग कर सको, तो उसका बेहतर है। ऐसे ही जाके ना बैठ जाना, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई मछली वछली हाथ नहीं आने वाली। और आई होप कि सबका आपको फ़ायदा होगा। टेक केयर, बाय बाय।